दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर किसी ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि भविष्य में भी आपको नियमित रूप से मेरे वीडियो मिलते रहें। तो आज मैं आप लोगों से हमारे विश्व गुरु बनने के सपने को लेकर कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जब से लॉकडाउन हुआ, उसके कारण हमारे सभी शैक्षणिक संस्थानें भी बंद रही। उस वजह से मुझे यह चिंता सता रही थी कि हमारा सपना तो विश्व में नंबर वन बनने का है, और जिस भावी पीढ़ी के बलबूते हमने यह सपना देखा था, वे बच्चे तो इस बंद के कारण अच्छी तरह से शिक्षा भी नहीं ले पा रहे हैं, जबकि उनका शिक्षा लेना अति आवश्यक था। विश्व गुरु बनने के लिए हमारा कुछ बातों में नंबर वन रहना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर आप लोगों से कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा, जैसे कि शिक्षा, तकनीक, विज्ञान, व्यापार, खेलकूद, शिष्टाचार, नारी संरक्षण, भ्रष्टाचार का खात्मा, और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि हमारा एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र का होना। ऐसे अगर मैं बताते हुए चलूं तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे समाज की सोच विचार और दूरदर्शिता का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोग दूसरे देशों के लोगों के लिए उदाहरण बन सके, तभी हमारा विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन इस सपने को पूरा करने की कोशिश के बजाय ठीक इसके विपरीत हो रहा है, जिसमें शिक्षा प्रणाली का उस लेवल पर नहीं होना जिसकी हमें नंबर वन बनने के लिए जरूरत है। तकनीकी और विज्ञान क्षेत्रों को प्रोत्साहित और बढ़ावा नहीं देना भी इसमें जो है हमारी छवि को धूमिल करता है। यहाँ राफेल का मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूंगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट एक सुप्रसिद्ध अनुभवी एचएल को ना देकर, जिसका कि अनुभव 70 सालों का रहा, उसने हजारों एयरक्राफ्ट बनाए, उसके बल्कि एकदम उलट, एकदम जिसका अनुभव नहीं था, रिलायंस डिफेंस इस क्षेत्र में बिल्कुल नई कंपनी है, उसको दिया गया। हमारे समाज में महिलाओं के साथ बड़ा दुर्व्यवहार अक्सर होता रहता है, जिससे हमारी उससे भी छवि धूमिल होती है। कभी कभी इतने हैरतअंगेज न्यायपालिका के फैसले आते हैं कि उन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। एक मजबूत लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपने विचार और आवाज को समाज और देश के सामने रख सकता है। किसानों ने भी अपनी आवाज और शिकायत को शांतिपूर्वक आंदोलन के जरिए देश के सामने रखा, जो कि लोकतंत्र भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन उनका क्या हश्र हो रहा है, यह सर्वविदित है। उनके आंदोलन को खत्म करने की हर भरसक कोशिश हो रही है। इन कोशिशों की वजह से भी हमारी छवि धूमिल होती है। हमारे देश को नंबर वन बनाने के लिए हमारे नेताओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है, जिससे वे हमारे देश को सही मार्गदर्शन कर सकें। लेकिन इसके विपरीत अभी हाल ही में गुजरात मंत्रिमंडल में कुछ नेताओं का जो सिलेक्शन हुआ, उनकी शिक्षा स्तर जो है वो शोचनीय है। इन सब उदाहरणों से ये प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में हम लोग विश्व गुरु बनने के सपने के लिए प्रतिबद्ध और गंभीर हैं? मैंने वीडियो की शुरुआत में विश्व गुरु बनने के लिए कुछ कंडीशन का जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि इसके विपरीत जो है कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमारी छवि धूमिल हो रही है। अब आप लोग ही यह फैसला करें कि ऐसे में क्या हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं? अपने फैसले को कृपया अपने इस वीडियो में कमेंट में जरूर लिखें।
अंत में सरकार और सारे देशवासियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो सभी को उसके लिए विचार और कार्रवाई करनी होगी और उस पर गंभीरता से सोचना होगा। मैं भी एक देशभक्त हूँ और तहे दिल से चाहता हूँ कि मेरा देश पूरी दुनिया में नंबर वन बने और साथ ही विश्व गुरु बनकर अपनी प्रतिष्ठा कायम करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर किसी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।